अपन अभी कितने लोगों को जानते हैं जो बेचारे रोज पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, खूब जय जयकारा करते हैं, खूब खूब करते हैं, खूब खूब साधु संतों के पीछे दौड़ते हैं, करते हैं, साधु संतों की भैया वृत्ति करते, करना ही चाहिए, उसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन वस्तु स्वरूप के समझे बिना मोक्ष नहीं मिलता। सेवा करने से पुण्य बनता है, मोक्ष नहीं मिलता। और वे ही लोग बेचारे, उनसे पूछो कि छह द्रव्य क्या है, सात तत्व क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, वो कहते ये कौन सी कहानी सुनाने बैठ गए भैया, ये वस्तु का स्वरूप क्या होता है, है? समझ में आया रमेश जी, समझ में आया जी। अपन जब तक मोक्षु नहीं थे, मुझे आपकी तो पता नहीं है, लेकिन हम तो वास्तव में बारहवीं तक जब पढ़ते थे मैथ साइंस से, और मैं इतनी पूजा भक्ति मुनिराजों के आहार चलिए सब में जाता था, मैं खुद ही पक्का ही हूं ना, है? मैं तो कोई ऐसा तो नहीं हूं कि मुझे कुछ खबर नहीं है, और खूब मुनिराजों की सेवा भक्ति करते थे, समझ में आया। अभी भी कोई अवसर हो, कोई सच्चे मुनिराज हो तो जाते हैं, सुनते हैं, लेकिन वहां इतना करने पर भी हमें छह द्रव्य के नाम पता नहीं थे कि ये छह द्रव्य कौन से हैं, सात तत्व क्या होते हैं। ये इतनी स्थूल बात जो पाठशाला में पढ़ा देनी चाहिए, वो हमें बारहवीं क्लास तक पढ़ने के बाद पता नहीं। और आज भी ऐसे लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं सब, उन्हें कुछ नहीं पता, और रोज रोज अभी से करने पहुंच जाते हैं, रोज नियम से, और उनसे पूछो सुनो इधर आओ ये छह द्रव्य के नाम तो बताओ, कहते क्या बीमारी है, उनसे पूछो वस्तु स्वरूप क्या होता है, आत्मा क्या होता है, बोले अरे तुम आत्मा वाले हो क्या, हमें आत्मा वालों से सख्त नफरत है, जैसे खुद पुद्गल हो, है खुद पुद्गल की पार्टी का हो, है क्यों भैया तुम पुद्गल की पार्टी के हो क्या, अजीब की पार्टी के हो, है हम आत्मा की चर्चा करते तो उसे ऐसा ऐसा कहता कि तुम आत्मा वाले हो क्या, तो बताओ जो बिना ही आत्मा के जिंदा है, है कोई बिना आत्मा के जिंदा है? और कई लोग तो आत्मा बोलो तो भूत प्रेत समझते हैं, है बोले साहब उनके यहाँ तो आत्मा ही आत्मा की चर्चा करते हैं, तो कई लोग कहते पता नहीं भूत प्रेतों को साधते रहते हैं क्या, स्वयं आत्मा होकर भी आत्मा से इतना अनभिज्ञ है ये जीव, ये मोह की दशा है, ये सब मिथ्यात्व की महिमा है भाई, ये मोह की महिमा, इतना आत्मा होकर आत्मा से चिढ़ता है, ये दर्शन मोह की बलहारी है, इतना तीव्र मिथ्यात्व। ये देखो मारीचि को चार गति परिभ्रमण शेष था, तो देखो समोसरण में जिनेन्द्र देव का साक्षात समोसरण में विरोध करने का भाव, वो मुनि था, वो साधु था मारीचि, साधु बना था नग्न दिगंबर, साधु था मारीचि, समझ में, ऐसा बैठा था और एकदम ऐसा आक्रोश आया मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा, तुम समझते क्या हो, वो भगवान वीतरागी है, मैं कोई ऐसे थोड़ी ऐसे कह रहे सुन मारीचि, ऐसा थोड़ी हो रहा वहां है, तो मारीचि की तरफ देख के समझा रहे कि चलो भाई दिखे के जी तो राग दे, तो बिल्कुल अपने स्वरूप में बैठे, वो वहां से दिव्यध्वनि गिर रही है, हजारों तरह के प्रश्नों के समाधान हो रहे हैं। अब एक किसी ने पूछ लिया कि इसमें कोई ऐसा जो तीर्थंकर बनेगा, उनने कह दिया मारीचि बनेगा, ये अपने लड़ाई झगड़ा है। देखो कोई ऐसा कहे इससे अच्छा तो आदिनाथ नहीं बोलते, तो कम से कम झगड़ा होने से तो बच जाता, तो आदिनाथ के हाथ में था। अरे भाई वस्तु का स्वरूप है, जिस निमित्त से जो कार्य होना है वो निमित्त, अब देखो किसी के मन में आ भी गया ये प्रश्न, ये मन में भी आ गया कि अति धंग ऐसे ही आ गया, अब आ गया भरत जी के मन में आ गया कि कोई है कोई, यहाँ उनने कहा तेरे ही बेटा है, वो तो लड़ाई झगड़ा हो गया। तो कई लोग सोचते कि अरे वीतरागी भगवान कभी सोच समझ के नहीं बोलते, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बोलते, ये तो सोच समझ के तो रागी देसी बोलते हैं भाई, समझ में आया। जिनेन्द्र देव के यहाँ सोचने समझने का काम नहीं है, वहां तो जैसा वस्तु का स्वरूप है, चाहे तुम नरक जाओ तो जाओ, और स्वर्ग जाओ तो जाओ, और मोक्ष जाओ तो जाओ, वो तो वस्तु के स्वरूप के हिसाब से बात आती है। वहां ऐसे नहीं सोचते जिनेन्द्र देव ऐसा बोलूंगा तो ये श्रोता भिदक जाएगा, ये श्रोता भग जाएगा, थोड़ा व्यवहार की बात ले लो वरना ये व्यवहारी लड़ने लगेंगे, क्यों ये वीतरागता खत्म हो जाएगी,
सर्वज्ञता खत्म हो जाएगी, यही तो वीतरागता की कीमत है। कि वहां जैसा देखो नैमिनाथ भगवान समुसरण में विराजमान है। अब पता नहीं ये प्रश्न कहाँ से आ गया कि द्वारका का क्या होगा। अब ये प्रश्न भी अजीब ही गरीब ही है ना, कौन पूछता है कि दिल्ली का क्या होगा। अरे कोई पूछे तो अपना क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा स्वरूप क्या है। अब देखो जब ये प्रश्न आया और इसका जो समाधान है वो आया, और इस समाधान के बाद क्या होगा, ये भी नैमिनाथ के ज्ञान में धागे नहीं है। कि नैमिनाथ को जब ये पता था कि अब ये प्रश्न आएगा और इसका उत्तर समोसरण में दिव्य ध्वनि में आएगा कि 12 वर्ष बाद जलेगी और जे उत्पाद मचाएगी, ये पता था कि नहीं। क्या करे, वहां प्रश्न आया, यहाँ समाधान आया, वहां 2-5 मिनट उठ के चले गए। समझ में आया, मेरे निमित्त से नहीं चलने दूंगा, मैं तो जाता हूँ। वो अपन ऐसा कहते हैं उठ के चले गए, वो तो ये संसारी जीवों की दशा ऐसी थी कि वे समझ गए थे कि अगर अब मैं यहाँ रहूंगा तो रहने नहीं देंगे। क्यों, कि साहब कह दिया कि इनके निमित्त से जलनी है तो ये तो मुझे वैसे ही मार डालेंगे, आहार देना तो बहुत छोड़ी दूर की बात। समझ में आया कि नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, हम चले जा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। लेकिन विधि के विधान को जो होनहार है सर्वज्ञ देव के ज्ञान में जो झलका है, उसे कौन टाल सकता है। और ये कोई हमारे यहाँ की बात नहीं है, ये कोई क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं है, गीता में भी कृष्ण ने कहा है, पढ़ लेना। जब अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं मार सकता अपने सगे संबंधियों को, मुझे नहीं चाहिए राज्यभाज, मेरे पास की नहीं है, मैं अपने द्रोणाचार्य के ऊपर जो है बाण चला दूं, मैं अपने पितामह पे बाण चला दूं जिनने मुझे गोद में खिलाया है, मैं नहीं कर सकता ये सब। तो अर्जुन ने, अर्जुन श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, अरे तात तुम कहाँ इतने आकुल व्याकुल हो रहे हो, ये तो मैंने पहले ही मरे हुए देख लिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्या ये तो मैंने पहले ही मरे हुए देख लिए, और ये तुम्हारे निमित्त से ही मरना है, कहाँ तुम्हें लड़ाई झगड़े के छोड़ रहे हो, और ऐसा ही होना है झगड़ा हो। मैंने वो गीता में भी लिखा है कि जो होना है वो होना है, तुम ये व्यर्थ के विकल्प करते हो कि मैं बदल दूंगा बदल दूंगा। क्या बदल दोगे, ये बदलने का भाव ही तो मिथ्यात्व है, क्यों समझ में नहीं आता। और ये खाली हमारे यहाँ की बात नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें क्रमबद्ध पर्याय नहीं हो। ये अलग बात है कि कुछ लोग हमारे क्रमबद्ध पर्याय का हमारे ही लोग विरोध करते हैं, लेकिन खूब सुनाते हैं कि जो होना है वो निश्चित है। अरे कौन किसको टाल सकता है, जिसको जब मरना है वो मरेगा, तो क्रमबद्ध ही तो है, ये तुम ही तो बोल रहे हो। निजी आयु जैसे मरण हो या बात जिन पर ले, तो तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय तो बोल रहे हो, और क्या बोल रहे हो, जो जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरारे अनहोनी कछुन, ये तो क्रमबद्ध पर्याय तो है ही, बस उसका नाम नहीं लेते। बाकी सब बोलते तो तुम भी क्रमबद्ध पर्याय, जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वो ही मिलेगा, ये क्या है, ये वाक्य क्या है। और तुम बड़े क्रमबद्ध के नाम से नाक से कोड़ते हो, और रात और दिन क्रमबद्ध के गीत गाते हो, किसी ना किसी दूसरे रूप में है गाते हो कि नहीं, कि साहब ये काम, अरे जब होने की काल लग दिया है, बोल आप लोग व्यवहार में चले जाओ, सब कहते भैया भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये क्या है, क्रमबद्ध पर्याय तो है, अल्लाह जैसा रखेगा वैसा रखेंगे, क्रमबद्ध पर्याय तो है, है? क्या है, जाको राखो साइया मार सके ना कोई, है ये भी है ना, जाको राखो ऐसा बोलते ना, क्या बोलते है, जाको राखो साइया यही है ना, मार सके ना कोई है, तो ये क्या है, क्रमबद्ध पर्याय तो है। और कहाँ कहाँ से क्रमबद्ध पर्याय चाहिए आपको, बोलो। अब आप एक शब्द से चिढ़ते हो तो चिढ़ते रहो, वास्तव में वस्तु का स्वरूप तो यही है। हम कह रहे हटा दो तुम क्रमबद्ध की जगह, जो शब्द अच्छा लगे बोले लो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा विवेक नाम है, तुम्हें पसंद नहीं है दूसरा रख लो, लेकिन हम तो हम ही रहेंगे ना, कि हम बदल जाएंगे हैं। पढ़ते थे अपन कहानी नाम वाली, कहानी नाम वाली याद आ गई, उसका नाम बुद्धू राम था, क्या था है कि तुम्हारा, उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे तुम्हारा नाम पसंद नहीं है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती,
तो बुद्धू राम ने कहा, बुद्धू राम जबकि था बहुत दिमागदार, तो नाम था उसका बुद्धू राम, उसकी पत्नी को बड़ी गुस्सा आती थी, सब उसे बुद्धू राम कह के चढ़ाते थे। तो उसने कहा देखो नाम में कुछ नहीं रखा, तुम मेरे गुण को देखो, तुम्हें कोई दुख है क्या, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं, तुम बहुत अच्छे आदमी, तुमसे अच्छा आदमी मिलना मुश्किल है। तो बोले क्या रखा, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम बुद्धू राम रखा था, तो बुद्धू राम सही है, क्यों क्यों परेशान होती। उसको नहीं समझ में आया, उसने उठाया अपना बैग और चली मायके। तो मायके चली तो पुराने जमाने की घटना है, पैदल जाते थे लोग, तो जा रही तो रास्ते में एक आदमी, तो उसने कहा जब वो जा रही थी मायके, तो बुद्धू राम बहुत ज्ञानी था, बुद्धू राम ने कहा जा तो रही हो लेकिन रास्ते में जो जो मिले उनके नाम और काम देखती जाना। समझ में आया, उसने कहा ठीक, गई। तो रास्ते में एक भीख मांग रहे थे, अरे बोले भैया एक रुपया दे दो बहन जी। बोले नाम क्या है तुम्हारा, बोले दौलत राम। हमने कहा हाथ हो गई यार, नाम दौलत राम है, भीख मांग रहे। और एक सेठ जी बहुत दान कर रहे थे, कंबल बांट रहे थे, उनके पास गई, बोले सेठ जी आपका नाम क्या है। बोले भिखारी मल, उनका नाम भिखारी मल। उनने कही क्या हो रहा है जगत में, समझ में। और एक अत्यंत मूर्खतापूर्ण कोई कार्य कर रहा था, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या, बोले ज्ञानी। तो उसे समझ में आया। और ऐसे एक बहुत कुरूप स्त्री थी, उसका नाम बहुत सुंदरता के अर्थ में रखा गया था, मैंने उसने जब देखा 10-5 देखे तो उसने कहा नाम में तो वास्तव में कुछ नहीं है। तो भैया ऐसे तुम्हें हमारा नाम पसंद नहीं हो, हमें क्रमबद्ध पर्याय सब नाम पर, तुम दूसरा रख लो, तुम होनी रख लो, नियति रख लो, की जो क्रम नियमित रख लो, इस शास्त्रों में सब क्रम नियमित है, क्रम नियमित रख लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम कौन से नाम के भूखे, हमें क्या फर्क है। हमें तो देखो जी वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा समझना है, हमें किसी से राग द्वेष कसाय करके संसार में थोड़ी घूमना है, इसलिए हम तो जो वस्तु का स्वरूप है वो बताते हैं। अब देखो भैया बात इतनी सी है, टोडमल जी साहब कहते हैं कि हम तो शराब की निंदा करते हैं कि शराब बुरी चीज है, अब इसमें कलार को बुरा लगता है शराब बनाने, मतलब हम क्या करें बताओ, हमने हम तुमसे तो हमारा कोई लेना ही देना नहीं है, शराब बुरी है। ऐसे हम तो मुनिराजों का स्वरूप बताते हैं, अब मुनिराज का स्वरूप बताते हैं और तुम वैसे आचरण नहीं पालते तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, तो हम क्या करें भैया, हमें तुमसे तो कोई लेना देना है ही नहीं, हमारा तो तुमसे कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। लेकिन जैनागम में जो मुनिराज का स्वरूप है वो तो हमारा बताना फर्ज है, कर्तव्य है, अब हम वो नहीं बताएंगे तो देव सात गुरु के स्वरूप के बिना आगे की कहानी कैसे चलेगी। कि क्यों, कि भाई देव सात गुरु का स्वरूप बताएंगे तब तो इसके गृहित मिथ्यात्व छूटेगा, और गृहित मिथ्यात्व छूटे बिना अगृहित मिथ्यात्व छूटता नहीं, इसलिए बता दे। और हम एक जगह का थोड़ी बताते, जहां भी गलतियां होती हम तो सब जगह का बताते हैं, क्यों, हम किसी पंत संप्रदाय के हैं क्या, बोलो, हमें तो जहां गलती दिखती है, चाहे मोक्षुओं में दिखे, चाहे गैर मोक्षुओं में दिखे, चाहे देश में दिखे, चाहे विदेश में दिखे, हम तो भैया जैसा है वो बता देते कि सही नहीं हो रहा है, और अच्छे कार्यों की हर जगह प्रशंसा करते हैं, सो हमें कोई पक्षपात तो है नहीं, हम तो किसी से, हमारा किसी से बैर विरोध नहीं। और अगर अपन बैर विरोध से कसाय के बस होकर अपनी कसाय की पूर्ति के लिए अपन प्रवचन करते हैं, तत्व का स्वरूप बताते हैं, अपने से बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं है, विशेष पाप का बंध होगा मुझे अगर मैं कसाय के वसीभूत होकर किसी की निंदा करूंगा तो। हाँ, वास्तव में वस्तु के स्वरूप के अर्थ, जीवों के कल्याण के लिए सच्चे देव सात गुरु का स्वरूप बताऊंगा, और उसमें कुगुरु को देव को शास्त्र नपेंगे ही नपेंगे, वो तो स्वाभाविक है ना।